हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया था। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। तो प्लेन मिरर से इमेज बनाने के लिए हम नॉर्मल अपना मिरर लेते हैं। मिरर शो करने के लिए शेडेड पोर्शन शो करते हैं कि ये शेडेड होगा। फर्दर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो मिरर के क्या हो, परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं मिरर की लेफ्ट हैंड साइड पर, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके हेड से, एरो हेड से काफी सारी रेज निकालते हैं। और वो रेज क्या है, वो रेज आगे टकराती हैं मिरर से और वो अपना रिफ्लेक्शन शो करती हैं। और ये रेज जहां पर मिलती हैं वहां पर हमें क्या पता लग जाता है कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। इस टॉपिक को हम और भी इलैबोरेशन में करेंगे जब हम ये जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंट तरीके के मिरर्स, है ना, तो उनके अंदर हम ये जो भी हमने रूल्स किए हैं कि रेज टकराती कैसे हैं वगैरह, तो उनको हम और फर्दर डिटेल में भी करेंगे। पर अब तक आप किसी ने भी अगर प्लेन मिरर की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकता है कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर्स में कैसे हो रही होती है। तो अभी तक जो आप मान लो डे टू डे लाइफ में अपना जो मिरर देखते होते हो वो सब प्लेन मिरर ही होते हैं, बिकॉज हमें क्या होता है, अपनी साइज सेम ही नजर आ रहा होता है। हमारा फेस जितना बड़ा है उतना बड़ा ही हमें मिरर के अंदर नजर आ रहा होता है। ऐसा तो नहीं है कि छोटा या बड़ा नजर आ रहा होता है हमारे एक्चुअल फेस साइज से। तो असल में क्या होता है, असल में प्लेन मिरर के अलावा भी कुछ और तरीके के मिरर्स होते हैं, ठीक है। और वो उन मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, उन मिरर्स को बोला जाता है रचे स्फेरिकल मिरर। उनको क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। अभी देखो जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो स्फेरिकल मिरर आगे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक तो होता है आपका कनकेव मिरर और एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये दो तरीके के, अलग अलग तरीके के मिरर्स हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर जो हम नॉर्मली सिर्फ देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और भी तरीके के मिरर्स होते हैं, कैसा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब हम ये देखते हैं कि ये मिरर्स बने कैसे, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, और हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मिरर प्लेन है, मतलब कोई मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, ठीक है। तो उस चीज को देखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाती हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्लेन मिरर बनाया, तो हमने प्लेन मिरर कैसे बनाया था, हमने शीशे के का लिया एक सिंगल टुकड़ा लिया, उसको क्या कर दिया, एक तरफ से शेड कर दिया, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन गया, प्लेन मिरर बन गया। हमने कोई खास कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं किया प्लेन मिरर बनाने में, सिंपल शीशे का टुकड़ा लो, उसको एक तरफ से अच्छे से पेंट कर दो, लाइट उससे बाहर नहीं जानी चाहिए, और वो आपका क्या बन जाएगा, एक बहुत अच्छा टिकाऊ प्लेन मिरर बन जाएगा। पर उसी तरीके से अगर आपको स्फेरिकल मिरर बनाना, तो स्फेरिकल मिरर में भी ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। आप स्फेरिकल वर्ड तो समझते हो ना, स्फीयर, स्फीयर से ही वर्ड आता है स्फेरिकल, स्फीयर से क्या वर्ड आता है, स्फेरिकल, ठीक है। अब जब हमने प्लेन मिरर बनाया था तो हमने क्या लिया, एक प्लेन शीशा लिया, एक सिंगल ऐसे प्लेन लिया, है ना, उसको पेंट किया। अभी हमने क्या बनाना है, स्फेरिकल मिरर। तो अभी आपको नाम से क्लियर होना चाहिए बनाना क्या है हमने, स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम ग्लास कैसा लेंगे, स्फीयर शेप में ग्लास लेंगे। यानी जब भी आपको मान लो कोई स्फेरिकल मिरर बनाना है, तो स्फेरिकल मिरर आप कैसे बनाओगे, स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आप एक ऐसा स्फीयर ले लोगे। ये स्फीयर कैसा होना चाहिए, ग्लास का, जैसे जैसे शीशे का गोला ले लो ना, जैसे अंदर से तो खाली होगा ये, ऐसे शीशे का गोला ले लो एक, ठीक है। हमने देखे भी होंगे ऐसे क्रिस्टल्स वगैरह कहीं ना कहीं मिलते हैं शीशे के गोले, ठीक है। तो एक ऐसे शीशे का आप क्या ले लोगे, गोला ले लोगे किसी भी साइज का मान लो। और अब आप क्या करोगे, अब आपने इसको मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए नेचुरली एक साइड से शेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो आपको दो ही साइड नजर आ रही है, एक अंदर की एक बाहर की, है ना। अब जब ये पूरा बंद है तो ना तो आप अंदर पेंट कर सकते हो, अगर बाहर पेंट कर दिया तो ये रह क्या गया, बात समझ लो मेरी। अगर आपने इसको अंदर से पेंट किया, है ना, तो पहली बात तो अंदर से पेंट ही नहीं हो सकता, ये बंद है, ठीक है। आप पेंट कहाँ कर सकते हो, इसके बाहर बाहर वाले सरफेस पे पेंट कर सकते हो, क्योंकि वही आपके पास खुली हुई है। और अगर आपने बाहर पेंट भी कर दिया, ठीक है, मान लो आपने बाहर यहाँ पे पेंट भी कर दिया, तो फिर आप इमेज देखोगे कहाँ अपनी, कोई रास्ता नहीं बचता ना। तो आप स्फेरिकल मिरर का क्या करोगे रजे, आप क्या लोगे, एक स्फीयर का ऐसे गोला सा ले लोगे, ठीक है, और उसको काट लोगे, उससे एक हिस्सा काट लोगे। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे काट लू इसे,
मैं थोड़ा सा पतला बना देती हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं इससे क्या काट लेती हूँ, इतना का पीस काट लेती हूँ, ठीक है। अब ये आप मतलब बहुत अपना पड़ाव रख चुके हो स्फेरिकल मिरर बनाने में, ठीक है। आपने क्या ले लिया, स्फीयर का एक टुकड़ा सा ले लिया, ठीक है। अब आपको, अब देखो आपको पेंट करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, एक तो इधर की तरफ पेंट कर दो, एक इधर की तरफ पेंट कर दो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से पेंट करके बताती हूँ। मैं सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है राजे। एक ऐसे, ठीक है, ऐसे लिया ना आपने मिरर। तो अब एक तो क्या हो सकता है कि आप इसके पिछला वाला हिस्सा पेंट कर दो, कर दिया जी। और एक क्या हो सकता है कि इसका जो आगे वाला हिस्सा है, इसे गोल लिया ना हमने, तो एक क्या हो सकता है कि आप इसका आगे वाला हिस्सा पेंट कर दो, ठीक है। अब नेचुरली, अब ये एक तो क्या है, इसका बैकवर्ड हिस्सा पेंटेड है, एक इसका इनवर्ड हिस्सा पेंटेड है। तो अब ये दोनों पता क्या कर लेते हैं, ये दोनों दो डिफरेंट तरीके के मिरर बना लेते हैं। अब देखो कैसे, देखो अगर ये इस साइड पेंटेड है ना, तो नेचुरली आपको अगर अपनी इमेज देखनी है तो आपको यहीं खड़ना पड़ेगा, ऐसे ही जाएंगी रेज वगैरह आपकी इस पे। और अगर आपको इसमें अपनी फोटो देखनी है तो यहाँ खड़ के तो कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ तो पेंट ही है, या तो आपको काली दीवार नजर आएगी है ना, तो आपको कोई शीशा कहाँ है। तो आप क्या करो, इसकी उल्टी साइड खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, अब ऐसे रेज जाएंगी, यहाँ फोटो दिखेगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल मिरर आप बना के सकते हो। एक स्फीयर ले लो, उसमें से एक हिस्सा काट लो। अब वो हिस्सा में क्या है, आप उसको आगे से भी पेंट कर सकते हो, पीछे से भी पेंट कर सकते हो। अगर आपने मान लो पीछे से पेंट किया तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको अपनी इमेज दिखेगी। अगर आपने उसको अंदर से पेंट कर दिया है तो आप इधर वाली साइड खड़े हो जाओ, तो आपको इमेज अपनी नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब देखो ये जो तुम्हारे पास ये दो तरीके के जो मिरर बन गए हैं, इसको इनवर्ड पेंट करने पर या आउटवर्ड पेंट करने पर, यही असल में तुम्हारे दो तरीके के क्या हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, यानी दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स है तुम्हारे, ठीक है। अब देखो जिस केस में तुमने इसको, इसका बाहर वाला हिस्सा पेंट किया है, ठीक है, जो अंदर वाला हिस्सा है वहां पे तुम खड़के अपनी फोटो देख सकते हो, इस तरीके के मिरर को क्या बोलते हैं, इस तरीके के मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और जिस मिरर के अंदर तुम क्या कर दो, अपना बाहर वाला हिस्सा पेंट कर दो, सॉरी अंदर वाला हिस्सा पेंट कर दो, इसको तुम क्या बोलते हो, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ये देखो, अंदर का पेंट करना और बाहर का पेंट करने से ही दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है, इसकी इमेज बिल्कुल अलग बनेगी, उसकी इमेज बिल्कुल अलग बनेगी, ठीक है। अभी तुम क्या देख रहे हो, अगर तुम, अब जैसे तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें पीछे का तो पता ही नहीं है ना तुम्हारा पेंट किया हुआ, तो तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे देखने में, तुम्हें क्या पता लग रहा है कि तुम्हारा मिरर ना अंदर को झुका हुआ है, ठीक है। जब तुम इधर वाली साइड पे खड़े हो रहे, इधर वाली साइड पे तुम खड़ के देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या नजर आएगा कि तुम्हारा जो मिरर है वो ऐसे अंदर को झुका हुआ है, ऐसे मतलब सीधा नहीं है, अंदर की तरफ घुसा हुआ थोड़ा सा, ठीक है। और वेयर एज अगर तुम कन्वेक्स मिरर को वहां से खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ये थोड़ा बाहर की तरफ आ रखा है, ठीक है, कैसा लगेगा कि ये थोड़ा बाहर की तरफ आ रखा है। तो ये मतलब जैसे अभी तो ये जो तुमने मैंने समझाया है, ये तो क्या एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर मान लो सिंपल तरीके से अगर हमने बेसिक समझना है कि कैसा, किस टाइप का मिरर है, किस टाइप का मिरर नहीं है। बट अगर तुम्हें पेपर में डेफिनेशन लिखने को आ गई, मान लो कि कनकेव मिरर की डेफिनेशन बताओ या कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन बताओ, तो तुम कैसे बताओगे, ठीक है। तो जब भी अगर तुम्हें कभी भी कनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखनी है तो तुम बोलोगे इसमें इट इज अ टाइप ऑफ प्लेन मिरर, ये एक तरीके का प्लेन मिरर ही होता है, बट ये कैसा होता है, अंदर को झुका होता है। तो ये वर्ड की अंदर को झुका हुआ, तो वो तुम क्या लिखोगे, बल्ज्ड इनवर्ड, क्या लिखोगे, अंदर को झुका हुआ है। और अगर तुमने कन्वेक्स मिरर के बारे में बताना है कि ये भाई हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो तुम उसमें क्या बोलोगे, बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ झुका हुआ है, बल्ज्ड आउटवर्ड, ठीक है। यानी ये कैसा हो रखा है, ये बाहर की तरफ झुका हुआ है। यानी जैसे अगर मान लो, अगर तुम अपना स्पून ले लो अपने पास, इसका बेस्ट एग्जांपल पता क्या है, अभी कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर तो पता नहीं तुम्हारे पास होगा नहीं होगा, पर तुम क्या लो अपने पास, चम्मच ले लो, चम्मच ले लो ना, स्पून ले लो अपने घर में, तुम्हारे पास स्टील का स्पून होगा, कोई अच्छा सा लेना, साफ सुथरा सा, जिसमें तुम अपनी फोटो पे देख सको। अपना स्टील का चम्मच ले लो, एक तो पहले स्टील के चम्मच में ना इधर वाली साइड अपनी फोटो देखना, यहाँ पे जिस साइड वो अंदर को झुका हुआ है, मतलब जो तुम खाने के लिए यूज करते हो ना, जो साइड, इस साइड पे अपनी फोटो देखना, ठीक है। फिर चम्मच को उल्टा कर लेना, यानी फिर तुमने यहां से अपनी फोटो देखना, तुम्हें दोनों में फर्क पता लगेगा राजे फोटो का, ठीक है। कोई साफ सा चम्मच लेना जिसमें तुम्हें इमेज नजर भी आए, तो
तो उसमें पता है तुम्हें, अगर जब तुम अंदर वाले हिस्से में देखोगे तो तुम्हें अपनी इमेज कुछ अलग नजर आएगी, पर तुम अगर बाहर वाले हिस्से में देखोगे तुम्हें अलग नजर आएगी। क्योंकि जब तुम ये अंदर वाले हिस्से में देख रहे हो ना, तो ये क्या है, बल्ज्ड इनवर्ड्स अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, तुम्हारा कनकेव मिरर। वेयरएज अगर तुम ये बाहर की तरफ इसे देखते हो तो ये बल्ज्ड आउटवर्ड है ना, तो ये कैसा मिरर बन जाएगा, तुम्हारा कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी रहे तुम्हारे मिरर के बारे में, जो तुम्हें मिरर को समझने के लिए जरूरी थी। अब तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि कन्वेक्स मिरर क्या है या कनकेव मिरर क्या है। अब इसके बाद अगर तुम्हें ये तो पता लग गया कि मिरर ये बनते कैसे हैं, दिखने में कैसे होंगे, तुम पहचान कैसे सकते हो, अब नेक्स्ट पता क्या है, कुछ फिजिक्स की टर्म्स तुम्हें करनी पड़ेंगी इन मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो वो फिजिक्स की टर्म्स क्या है उन मिरर के बारे में, वो हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आज की वीडियो में कितनी टर्म्स हो सकती हैं, जितनी आज की वीडियो में टर्म्स हो जाएंगी वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे, जो बचेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग देखना मत भूलना अपनी नेक्स्ट वीडियो भी इसकी। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्या चीज है, सबसे पहली जो तुमने प्रॉपर्टी देखनी है वो ये है, हाँ सबसे पहले तुमने क्या देखना है, इसका पोल देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, जो वर्ड है तुम्हें किसी भी मिरर का क्या देखना है, पोल। अब पोल क्या होता है, ये देखो तुमने ये मिरर बनाया ना अपना, ये बाहर की तरफ पेंटेड है, ठीक है, यानी ये कैसा है, कनकेव। दूसरा मिरर कैसा है, इस तरीके से, अब इसको बाहर की तरफ पेंट कर रखा है, ठीक है। पहले मैं दूसरी तरीके से बना रही थी, मैंने ऐसे बना लिया। अब देखो दोनों तरफ ही तुम यहाँ ही खड़े सकते हो ना, जैसे यहाँ खड़ा तो बल्ज्ड इनवर्ड, यहाँ खड़ा तो तुम बल्ज्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो ये कैसा मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ओके। अब नेक्स्ट तुम यहाँ देखो पोल क्या होता है, पोल होता है कि जब तुम ये मिरर का, ये जो तुम मिरर ले रहे हो इसका तुम बीच का हिस्सा लो, इसका बिल्कुल सेंटर लो, ठीक है। मान लो अगर तुम ऐसे मेजर कर रहे हो इसको है ना, ऐसे गोलाई में, तो इसका जो बिल्कुल सेंटर होगा ना, बिल्कुल सेंटर यहाँ पे, इसको आप बोलते हो पोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, इसके बिल्कुल सेंटर को क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। जैसे अभी हमने कनकेव के लिए किया, कनकेव के लिए पोल ये हुआ, कन्वेक्स को भी तुम यू ही मापो, इसका जो भी बिल्कुल सेंटर होगा इसको तुम क्या बोलोगे, पोल बोलोगे, ठीक है। और पोल को जब भी तुमने डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, मान लो तो डायग्राम में पोल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंबल पी से। अभी तुम्हें वैसे तो समझ में आ गया कि पोल होता क्या है, पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लेटर पी। अभी मैं क्या है, अभी मैं तुम्हें एक डेफिनेशन लिख देती हूँ पोल की। मान लो तो अगर तुम्हें पेपर में डेफिनेशन आ जाए कि हमें बताओ कि पोल की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन तुमने क्या लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के लिए रजे मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ इसे, तुम ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक्स में उतार लेना। डेफिनेशन है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ the reflecting surface of a spherical mirror is a point called pole, is a point called pole। नेक्स्ट लाइन है, इट ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, इट ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहां पे आपके पास सीधी सीधी डेफिनेशन है पोल की। पोल की डेफिनेशन क्या है कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होता है, मिरर का सर्फेस, जैसे हमने कनकेव का बनाया ऐसे, कन्वेक्स का बनाया ऐसे, तो जो तुम्हारे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है उसके सेंटर को तुम हमेशा क्या बोलते हो, उसे हम बोलते हैं पोल। और ये जो पोल होता है ये आपका हमेशा कहां पे लाई करता है, उस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के ऊपर ही, मतलब जैसे मिरर है ना, तो मिरर के ऊपर ही होगा तुम्हारा पोल। और इस पोल को तुमने रिप्रेजेंट किससे करना है, इस पोल को तुमने रिप्रेजेंट करना है लेटर पी से, ठीक है। ये तुम्हारा पहला तुम्हें वर्ड जो तुम्हें पता होना चाहिए था वो ये है। अब इसको मैं रब कर रही हूं, हम अपना नेक्स्ट वर्ड करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है रजे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अभी मैं इसको भी तुम्हें सिंपल से तरीके समझा देती हूँ। अभी जब हमने ये देखा था कि स्फेरिकल मिरर होते क्या है, बनते कैसे है, तो हमने क्या देखा था कि स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए तुमने क्या लेना है, एक गोला लेना है, ठीक है, और इस गोले में से एक पोर्शन काट लेना है, ठीक है। तो मान लो इस गोले से इतना पोर्शन मैं काट लेती हूँ, ठीक है। अगर इसका ये वाला हिस्सा मैं क्या कर दूं, शेड कर दूं, तो ये मेरा क्या बन गया, कंकेव मिरर। और फर्दर इस सर्कल से, इस स्फीयर से मैं इतना पोर्शन काट लेती हूँ, इसका अंदर वाला हिस्सा शेड कर देती हूँ, ठीक है। मैं यहां खड़ी होंगी तो ये मेरे लिए क्या होगा, मेरा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी तुम्हें ये पता लग रहा है कि ये जो तुमने हिस्सा काटा है ये किससे काटा है, इस सर्कल से काटा है, स्फीयर से काटा है। और तुम्हें ये पता होगा कि जो भी तुम्हारा स्फीयर होगा या तो जो भी तुम्हारा सर्कल होगा उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा ही ना, उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा। तो ये जो जिस स्फीयर से ये बना है उसका जो सेंटर होता है ना, जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, उसी सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। जिस मान लो ये इस वाले गोले से बना है तो उसका सेंटर कहाँ है, ये। तो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये वाला पॉइंट। वेयर एज ये किस गोले से बना है, इस गोले से, इसके बीच का जो सेंटर का पॉइंट होगा इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है रजे, सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर अभी तुम ये चीज बिल्कुल आराम से नोटिस करना, खड़े तुम यहीं पे है ना, ठीक है, इसके लिए भी यहां खड़े हैं, इसके लिए भी यहां खड़े हैं। तो जब तुम ये वाला मिरर ले रहे हो, ये कौन सा वाला मिरर है तुम्हारा, कनकेव मिरर। जब तो तुम कनकेव मिरर ले रहे हो रजे, तब तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उसी साइड पे आ रहा है, ठीक है। मान लो हम मिरर के हमेशा कौन सी साइड पे खड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस केस में तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। वेयर एज अगर तुम ये वाला मिरर लेते हो, ये वाला मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। इस केस में तुम कहां खड़े हो, तुम तो यही खड़े हो लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर के, पर इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आ रहा है, राइट हैंड साइड पे। अब ठीक है, इसको तुम यहां तो बना नहीं सकते, अब इसका इस गोले का सेंटर यही है, यही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आ रहा है, यहां पे दूसरी साइड पे, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, जो कनकेव मिरर होता है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इसके लिए सी लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। वेयर एज जो ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के लिए जो सी है लाई बिहाइंड द मिरर, मैंने बिहाइंड द मिरर क्यों लिखा, क्योंकि यहां से इधर की तरफ तो मैं देख ही नहीं सकती ना, और मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, उससे पीछे चला गया। तो जो तुम्हारा कनकेव मिरर होगा उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, उसके सामने। वेयर एज जो मेरा कन्वेक्स मिरर होगा उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, मेरे मिरर के पीछे होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज। अभी जैसे हमने पोल की एक डेफिनेशन की है, वैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी रहेगी, मैं आपको नोट करवा देती हूँ। वो क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, this sphere has a center, that point is called center of curvature। तो अभी यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, अच्छा यहां पे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मिरर को बोला जा रहा है, द तुम रिफ्लेक्टिंग सर्फेस का मिरर भी बोल सकते हो, द मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। जो तुम्हारा मिरर है वो एक्चुअल में क्या है, एक बड़े से स्फीयर का छोटा सा हिस्सा ही है। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, उस स्फीयर का अपना कोई ना कोई सेंटर है, उसी पॉइंट को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल सी से। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम बाकी के अपने जो कंसेप्ट है पॉइंट्स एंड मिरर के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।